मैं सोच रही थी इनको वेस्ट ना करें तो कुछ ना कुछ बना देते हैं। और आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं अभी, तो मैं सोच रही हूँ आलू बॉईल हो जाएंगे तो हम ब्रेड का रोल बनाएंगे, बहुत टेस्टी वाला, बढ़िया तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद। और ये काट रहे हैं हम हरी मिर्ची, ये देखो अब कटिंग हो रहा है धनिया। तो अगर हम वो पीली जो बनाने वाले हैं ब्रेड के अंदर भरने के लिए, तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे धनिया, और पहले इसका हल्का सा हम करेंगे फ्राई, और फिर हम उसमें डाल के फटाफट से और फिर बना देंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, टेस्टी भी लगेगा बहुत बढ़िया। ये देखो अब इन्हें हम छीलेंगे धीरे धीरे, और फिर जितना भी ये हमने कटिंग करके रखा है, और थोड़ी सी लाल मिर्च आप अलग से भी डाल सकते हैं उसमें, और जो मैं थोड़ा थोड़ा अलग से डालूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी कि हम किस तरीके से डाल रहे हैं, तो आप भी इसी तरीके से डाल सकते हैं। ये देखो थोड़ी गर्म है ना, तो इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे से छीलूँगी। देखो आलू छिल रहे हैं, गरम गरम हो रहे हैं, हाथ में भी छिल रहा है हल्का से, क्योंकि बहुत गर्म है ना इसीलिए। तो आप हमेशा आलू ना ठंडे करके छीलें, मेरे को थोड़ा जल्दी से है तो मैं सोचिए झटपट बना लूँ, चाय के साथ सब खा लेंगे, इसीलिए मैं जल्दी बना रही हूँ। ये देखो खाने के लिए, ये देखो प्याज और हरी मिर्ची इसमें, ये देखो और क्या डाल दिया है, धनिया। और अभी मैं आपको बता देती हूँ हम इसमें क्या क्या डालने वाले हैं, स्वाद के अनुसार आपने डालना है। ये देखो ये डाल दिया है, ये देखो अब हम डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा ही डालूंगी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची उसमें पहले से डाल रखी है। थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है हमने, और क्या डालूंगी, थोड़ा सा सिर्फ अजवाइन डालेंगे हम, और मैं इसमें अलग से कुछ भी नया ऐड नहीं करेंगे हम। ये अच्छे से करने वाली हूँ मिक्स, ये देखो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, अच्छे से ठंडा करना है, और उसी के बाद आपने इसको भरना शुरू करना है। तो मैं आपको बताऊंगी, ये देखो अभी मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ, अभी हुआ नहीं है, मैं कर रही हूँ जल्दी कढ़ाई, और कढ़ाई के गैस के ऊपर दिया कढ़ाई गर्म होने के लिए, और उसमें डाल देते हैं अभी हम पानी ताकि गर्म हो जाए, फिर हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं, तलना भी शुरू कर देंगे जल्दी से। ये देखो ये डाल दिया है ऑयल, ये डाल दिया है, ये देखो अभी इतने होता है हमारा ऑयल गरम, तो मैं सोच रही हूँ एक दो भर के रख लेते हैं। ये करा है हमने हल्का सा बिल्कुल गीला, इसको ये कर दिया है, और आप इसको धीरे धीरे से ऐसे निचोड़ेंगे, कोई नहीं थोड़ा बहुत टूटता है किसी किसी का, पर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब उसमें आप आलू भरोगे तो भी वो चिपक जाता है अच्छे से, तो इसको पहले आप अच्छे से निचोड़ेंगे। ये देखो इस तरीके से, आपने इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निचोड़ना है। ये देखो अब ये ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, तो आपको इसे भरने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये देखो अब आपने इस तरीके से ले लेंगे आप इसमें आलू, ये ले लिया है आपने आलू, और ये देखो
आपने इस तरीके से बनाने हैं, देखो बन के, और जो वैसा था वो भी देखो चिपकता चला जाएगा। आपने इसी तरीके से बनाने हैं। अभी मैं इसको चिपका रही हूँ अच्छे से, ये देखो। ये बन गया है, तो ये रख दिया है हमने, ये देखो। और अभी हम और बना के रख देते हैं इसमें। हाँ, हमारे बन के तैयार हैं, ये देखो, ये बना के तैयार है आपके सामने है। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी हम इसको तलने वाले हैं। पहले एक डालूंगी हल्का सा करके, बिल्कुल ये देखो, ये मैदे में डुबा दिया है, पतला मैदा करके रखा हुआ है मैंने, तो वो थोड़ा सा बंधने के लिए मैंने सिर्फ डाला है। आप चाहें तो उसको ऐसे भी तल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। ये देखिए, ये डाल दिया है मैंने, और उनको लो फ्लेम पे आपको तलना है बिल्कुल, ताकि वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। इनको कर दिया है साइड, तीन तीन तले जाएंगे क्योंकि उसमें जगह नहीं होगी इतनी ज़्यादा, तो मैं इसलिए तीन तीन ही रखूँगी तलने के लिए। अब ये धीमी आंच में धीरे 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 पक जाएंगे, जितने ये अच्छे से तलेंगे उतना ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगा, आपको बहुत ज़्यादा खाने में भी टेस्ट आएगा। और आप साथ में चाय या कॉफ़ी ज़रूर बनाएं, ये चटनी के साथ खाएं, रेड सॉस आता है, ग्रीन सॉस आता है, उसके साथ खाएं, बहुत मज़ेदार बढ़िया लगेगा आपको। अभी तल जाएंगे तो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से वो धीरे धीरे हम ये आँच में हम उसको तलते जा रहे हैं। तो देख लेते हैं थोड़ा सा पलट के कि किस तरीके से ये हुए हैं। अभी थोड़े थोड़े, अभी ज़्यादा नहीं हुए होंगे, देखो हल्के हल्के होने लगे हैं, पर आप इनको अभी और भी ज़्यादा आप इनको कर मतलब लाल करेंगे, अच्छे से भूनेंगे, ब्राउन पन में आ जाएगा और भी बढ़िया लगेगा। ये देखो, और भी इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है अभी। देखो ये होने लगे अच्छे से ब्राउन, और बहुत अच्छे से तले जा रहे हैं। तो आपने इतना ही ब्राउन करना है, आप उनको ज़्यादा काले मत करो, उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा बिल्कुल भी। और ये देखो हमारे बन के तैयार हो गए हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे, मैंने बहुत आसान तरीके से बनाए हैं। आपको पता है आलू बॉइल करके उसमें मिक्स करा है जो जो चीज़ आप डालना चाहते हैं, और फिर ये ब्रेड को हल्का सा भिगा के उसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं हम ऐसे करके, और उसमें अपना जो आलू का फीलिंग बनाया है वो डाल के, और हल्का सा जो हमने मैदे का पानी था उसमें डाल के फटाफट से तल लिया है। मुझे उम्मीद है आपको और भी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। ये देखो, ये देखो हो गए हैं ये तैयार बनकर, और ये मैंने निकाल दिया। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप उसको ज़्यादा ब्लैक नहीं करेंगे, हल्का ब्राउन रखो तो बहुत बढ़िया लगेगा। और आपको हमेशा बोला जाता है प्लीज़ याद करते रहो, तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करना ना भूले, कमेंट्स करना भी ना भूले, कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमने कैसा बनाया। और एक बात मैं हमेशा आपको बोलती, अपना भी ध्यान रखें और घर वालों का भी ध्यान रखें।